सो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू जय पचौरिया व्लॉग्स। तो फिलहाल आज हम जा रहे हैं अपने खेत पे बरसम काटने के लिए, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं अपने साथ। चुके हैं हम, चलिए चलते हैं। ये हमारा पशुओं की वजह से यहाँ लगाया हुआ, जो मतलब गाइस जो पशु ऐसे ही डोलते रहते हैं जिन्हें छोड़ दिया जाता है उनके लिए ये ऐसे लगाया गया है। चलिए चलते हैं अंदर। तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ से निकलना। देख सकते हो आप गाइस, तो डैडी जो बरसम होती है उसके साथ ये पत्ते भी काटोगे? पत्ते सरसों के हैं। अच्छा, सरसों के पत्ते हैं गाइस। फिर इन्हें बाद में मशीनों से छोटे छोटे पीस में कट कर लिया जाएगा। चलिए जब तक पापा बरसम काट रहे हैं मैं आपको एक बार 360 डिग्री व्यू दिखा देता हूँ। तो डैडी इन खेतों में क्या बो रखा है? सरसों है गाइस इसमें। ये भी ऐसा ही बन जाएगा हैं डैडी? इसमें तो खाली बरसम है, उसमें खाली सरसों ही सरसों। अच्छा तो गाइस ये होती है कांग्रेसी घास। कांग्रेसी घास इसे पशुओं को नहीं खिलाया जाता, खिलाने से आपका पशु बीमार हो सकता है, खाना छोड़ सकता है। तो गाइस इसको बोलते हैं एक्चुअली में खरपतवार या कांग्रेसी घास। कांग्रेसी घास या फिर खरपतवार वो होते हैं गाइस जो फसल के साथ अपने आप ही उग जाते हैं। आपने साइंस की किताब में ज़रूर पढ़ा होगा, मेरी भी किताब में है ये। ये देख सकते हो, इसे कहते हैं कांग्रेसी घास खरपतवार। तो गाइस ये जो रहते हैं क्या कहते हैं इन्हें डैडी, दोबारा से बताना। कांग्रेसी घास या खरपतवार बोल रहे। कांग्रेसी जो ये घास रहती हैं इनको खत्म करने के लिए इन्हें उखाड़कर पशु को खिला देते हैं, पर कुछ कुछ ऐसी होती हैं गाइस जिन्हें हम नहीं खिला सकते। कांग्रेसी घास को नहीं खिला। अच्छा सॉरी गाइस मैंने गलत बोल दिया।
सर बोल रहे हैं पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। इन्हें आप जंगली पौधा ही मान सकते हो, जो अपने आप ही उग जाते हैं, आप इन्हें वही मान लीजिए। पहुंच चुके हैं गाइस हम इधर, चलिए चलते हैं ऊपर। ये देखिए गाइस, ये है नाला, इसे खेतों में इस तरह लगा दिया जाता है ताकि जो कोई भी चिड़िया या कौवे होते हैं ये उन्हें भगा देता है। मतलब अपने आप तो जिंदा नहीं हो सकता, पर इनको देख के ना वो डर जाते हैं और भाग जाते हैं फिर। इसीलिए इसकी वजह से खेत है ना ये सुरक्षित रहते हैं। वो देख सकते हो, वो हैं पापा, अभी भी काट रहे हैं बरसम। जैसा इधर हमारे खेतों में है वैसा ही उधर भी है, स्केयरक्रो के पीछे जो ये है। चलिए चलते हैं वापस। चलिए गाइस, फिलहाल कट चुकी है बरसम, तो चलिए इन्हें इस कट्टे में भर देते हैं। चलते हैं। चलिए गाइस, आप इसे लेकर चलते हैं अंदर। इनके लिए गाइस आ चुका है खाना। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने घर, और ये है मशीन जिस पे हम इसे काटेंगे। तो काटने का वीडियो अभी डालेंगे क्योंकि मैं अभी शॉप पे जाऊंगा तो उसके लिए भी लेट हो रहा हूँ। तो जब काटेंगे तब उसका दिखाते हैं। तो अभी के लिए तो गाइस कमेंट में लिख के बताना कैसी लगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।